नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जुमला झूठे दावे, झूठे वादे करने का आरोप लगातार लगता रहा है और इसका नतीजा ये भी है कि कई दफ़ा ये साबित भी हो चुका है। एक बार फिर पीएम मोदी के एक दावे को पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख ने झूठा करार दिया है। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में बुधवार को एक जनसभा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया था। पीएम मोदी का आरोप था कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए विमान वाहक पोत आईएनएस विराट का इस्तेमाल एक द्वीप पर परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए किया था। पीएम मोदी ने दावा किया था कि इसमें इटली से आए उनके रिश्तेदार भी शामिल हुए थे और आईएनएस विराट का इस्तेमाल टैक्सी की तरह किया गया था। यह आरोप कितना सच्चा था ये जाने बगैर ही सभा में पब्लिक झूम उठी थी, जिसके बाद पीएम मोदी के इस बयान को पूर्व एडमिरल एल रामदास ने जुमला बताया। पूर्व नौसेना प्रमुख एल रामदास ने पीएम मोदी के इस बयान को झूठा बताते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आईएनएस विराट पर सरकारी काम से गए थे, ना कि अपने किसी निजी काम से। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी आईएनएस विराट पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण में गए थे। उन्होंने आगे बताया कि आरोप एकदम झूठा है, प्रधानमंत्री का वो सरकारी दौरा था। हम इस तरह के आरोप से व्यथित हैं, सेना किसी के निजी इस्तेमाल के लिए नहीं है। उन्होंने ये सारी बातें बताते हुए दुख जाहिर किया। सवाल ये है कि पीएम पद की कुर्सी पर बैठा शख्स अगर एक के बाद एक बेबुनियादी आरोप लगाने लगे तो पद की गरिमा और मर्यादा का क्या होगा, और क्या एक पीएम की कुर्सी पर बैठे शख्स को झूठ बोलना शोभा देता है? आपको बता दें कि इसके पहले भी पीएम मोदी के कई सारे दावे झूठे साबित हो चुके हैं। खैर, इस दफा तो पूर्व नौसेना प्रमुख को खुद सच्चाई बतानी पड़ी। अब आपको पीएम मोदी का पूरा बयान बताते हैं। पीएम मोदी ने कहा था आईएनएस विराट का इस्तेमाल एक निजी टैक्सी की तरह करके राजीव गांधी द्वारा इसका अपमान किया गया। ये तब हुआ जब राजीव गांधी और उनका परिवार 10 दिनों की छुट्टी पर गए थे। आईएनएस विराट को हमारी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए तैनात किया गया था, किंतु इसका मार्ग बदलकर गांधी परिवार को लेने के लिए भेजा गया, जो अवकाश मना रहा था। ये आरोप मोदी जी ने लगाए थे। आगे कहा था कि उन्होंने ये दावा भी किया था कि गांधी परिवार को लेने के बाद आईएनएस विराट द्वीप पर 10 दिनों तक खड़ा रहा था। पीएम ने सवाल किया कि राजीव गांधी के साथ उनके ससुराल के लोग भी थे जो इटली से आए थे। सवाल ये है कि क्या विदेशियों को एक युद्धपोत पर ले जाकर देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया गया था? साथ ही उन्होंने कहा कि क्या ये कभी कल्पना की जा सकती है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख युद्धपोत का इस्तेमाल निजी अवकाश के लिए एक टैक्सी की तरह किया जाए? ये सवाल मोदी जी ने उठाए थे। इस तरह के गंभीर आरोप पीएम मोदी ने अपनी सभा में लगाए, जो कि झूठे साबित हुए। विमान वाहक आईएनएस विराट को भारतीय नौसेना में 1987 में सेवा में लाया गया था। करीब 30 साल तक सेवा में रहने के बाद 2016 में इसे सेवा से अलग कर दिया गया था, ये उसकी जानकारी है। पीएम मोदी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि वो आदतन झूठ बोलते हैं, उनकी ये आदत है, जिनमें बेरोजगारी और नोटबंदी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने का कतई साहस नहीं है। आप देख रहे थे नेशनल इंडिया न्यूज़। शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।